थोड़ा एडल्ट यू नो अफेयर वाला एक स्टोरी, तो मैं बैठी हूँ ना यार अब तो पढ़ लिया, तो उन्होंने पढ़ा सिनॉप्सिस, बोला दिस इज़ वेरी, ये तो बहुत अडल्ट फिल्म है, आपको थोड़ा यू नो द कॉनोटेशन जैसा था, मुझे थोड़ा अनकम्फर्टेबल लगा, फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ एंड द ओनली टाइम इन माई लाइफ कि मुझे लगा कि ये क्या. सो एक मैंने एक थोड़ा अडल्ट स्टोरी लेके गई, डजंट मीन कि मैं, वो उन्होंने बोला ये पोर्नोग्राफी जैसा है, तो मुझे इतना गुस्सा आया मैं कुछ नहीं बोली, मैं निकल गई. तो मैंने मेरा फ्रेंड को फ़ोन करके बोला अब मैं पॉर्न बना के दिखाऊंगी इनको. मुझे गुस्सा आ गया, जो प्रोड्यूसर है वो निकल गए, वो कंपनी से, वो कंपनी बंद हो गई, वो डिफरेंट बात है, पर पॉइंट है बड़ा कंपनी था. ऐसा बहुत सारा कहानी है जो आयशा के साथ, मैंने तो आयशा के तो एक मैं बुक ही लिख सकती हूँ. देविका और मैं एक बड़े कंपनी के पास गए, वो बोले आयशा क्यों है आप उसको ना अजय बना दीजिए, वो लड़का है वो लड़की नहीं है, वो मैच मेकिंग करेगा और मेरे पास एक बड़ा स्टार है वो लड़का बन के. मैं बोला है ये क्या है. तो मेरे साथ ऐसे बहुत हो गए, पर मैं सोचा ठीक है आयशा बना लिया तो अभी चेंज होगा मार्केट, वापस वही 2023 में भी अभी भी सुनना पड़ता है अरे ये तो विमेन सेंट्रिक है, कौन करेगा, क्या होगा, लड़के लोग नहीं करना चाहते हैं. तो वही मैं सोचती हूँ आज क्यों, आयशा डिड वेरी वेल, पीपल स्टिल रिमेम्बर, तो क्यों नहीं गिव इट यू नो यंग विमेन के ऊपर, या यू नो मेक विमेन अ प्रोटैगनिस्ट. ये मेरे साथ थोड़ा होता रहता है. कितने हीरोज ने मना किया कि मैं आयशा में काम नहीं कर सकता महिला प्रधान फिल्म है. मैंने ज़्यादातर हीरोज के पास गई नहीं, मेरे पास एक ही हीरो था और वो मुझे बहुत अच्छा लगता था. अभय, हाँ तो पहली बार ही मान गया. अभय को यू नो हमने कन्विंस किया कि भाई तुम मिस्टर नाइटली प्ले कर रहे हो, तुम यू नो शाहरुख खान हो, यू विल ला, तो बोला ठीक है. थोड़ा झूठ तो बोलना पड़ता है. नमस्ते, मेरा श्रियोजा, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन. स्वागत और शुभकामनाएं पॉटलक सीजन 2 की, क्योंकि बहुत लोग उसको देख रहे हैं और खूब चर्चा में. गुड गुड, बहुत अच्छा लगा मुझे. हाँ. और बहुत अच्छा लग रहा है. आपकी चाय आ गई है तो आप हाथ में चाय ले सकते हैं. ओह थैंक यू जी. और चाय पी के बताइएगा कि आपके मिजाज की है कि नहीं. एकदम परफेक्ट है, बहुत अच्छा है, और कम दूध वाली और कम चीनी वाली चाय, परफेक्ट है. तो यही पॉडकास्ट से शुरू करते हैं, आपकी कहानी यहाँ से सुनेंगे, फिर पीछे जाएंगे, बीच बीच में जंप भी करेंगे. तो कहाँ फिल्में बनाते बनाते वेब सीरीज में कब कूद गई आप? अरे कोविड आ गया, क्या करें. नहीं, वेब सीरीज़ बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मेट है, मुझे बहुत अच्छा लगा. मैं बहुत देखती थी वेब सीरीज़, जब नेटफ्लिक्स आया और अमेज़ॉन आया इंडिया में, तो एक अपॉर्चुनिटी आई, एक स्टोरी आया मेरे पास पॉटलक, मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड आई सेड वो ये कैसे बनाएंगे, तो लोग ये वेब सीरीज़ बनेगा. आई सेड फिर मैं तो आम ऑन बोर्ड, मुझे कुछ और कुछ दिखाई नहीं, मैं बोला चलो. और कोविड भी था तो सिनेमा तो कोई जा नहीं रहा था, ऐसे कोई भी मीडियम हो स्टोरी बोलना है तो ऐसे चलो करते हैं. अच्छा वो पॉटलक था. तो कहानी का चुनाव कैसे किया आपने कि ये पॉटलक की कहानी चुनेंगे, जबकि इस समय एकदम डार्क चल रहा था, थ्रिलर सस्पेंस ऐसी चीज़ें आ रही थी, आश्रम जैसी चीज़ें आ रही थी, ऐसे में पॉटलक की कहानी कहाँ से सीखी? पॉटलक मेरे पास आई, जो शो रनर्स थे वो लेके आए मेरे पास. मैंने जब फर्स्ट टाइम पॉटलक पढ़ा, मुझे ना ये प्रॉब्लम लगा कि हम लोग कोविड से जूझ रहे थे, मैंने सब अंदर घर में बैठे हुए थे और कितना ही डार्क देखे, कितना रोज़ फ़ोन आता था, कोई किसी का तबीयत ख़राब हो या कोई गुजर गए, कोई ये वो. तो मुझे ना तब मेरा माइंड बहुत क्योस में था, तो ऐसे मुझे ना थोड़ा शांत कुछ चाहिए था. तो ये स्टोरी आई मेरे पास एंड मैंने पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि फैमिली और यू नो एक मज़ेदार स्टोरी है. और मुझे एक और चीज़ बहुत अच्छा लगा कि जो शोरनर्स थे वो बोले कि हम आपके साथ कोलैबोरेट करेंगे, आप भी अपना आइडियाज़ लाइए, हम लोग साथ में. तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये कोलैबोरेशन. तो फिर वहीं से शुरू हुई और कहानी बस चलती गई देखिए.
देखिए बहुत अच्छा मौका है कि हम जब बातचीत कर रहे हैं तब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है दुनिया भर में, देश भर में, और फिल्म इंडस्ट्री में कम डायरेक्टर है, महिला डायरेक्टर कम है। हमें ना अधिकतर कहानी अगर महिलाओं की भी हम सुन रहे हैं, कोहिनूर है, कम कम है। तो महिलाओं की भी कहानियां हम देखते हैं, पुरुषों की उनकी दृष्टि से देखते हैं, लेकिन महिलाओं की कहानियां अगर महिलाएं सुनाती हैं और एक पुरुष सुनाते हैं, और पुरुषों की कहानियां जब महिलाएं खुद सुनाती हैं, किस तरह का अंतर होता है अगर कंपेयर करती हैं? ये बहुत बहुत अच्छा सवाल है, बट मैं ना बहुत जेंडर बायस नहीं हूँ एज अ डायरेक्टर। मुझे नहीं लगता कि एक पुरुष या एक औरत कहानी डिफरेंट देखते हैं। आप भी डिफरेंट देखेंगे, हम भी डिफरेंट देखेंगे, और स्नेहल जो बैठी है हमारे रूम में वो भी डिफरेंट देखेगी। एवरी ह्यूमन बीइंग डिफरेंट देखते हैं। एक हाथ चाय पी सकते हैं, पी सकते हैं। मैं एक हाथ, सब उंगलियां डिफरेंट होती है, तो मेरे लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट है। एक और चीज़ है, महिला जो देखती है, मैंने औरतें जो जब स्टोरी लाती हैं, मुझे लगता है, मैं पर्सनल, मेरा पर्सनल बायसेस है कि वो लाते हैं ज़्यादातर 90% अपने ड्रामा से या अपने इमोशन से। इमोशन इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन, सॉरी अंग्रेजी में आ गए, बट इट्स अ बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एक स्टोरी के लिए। और मोस्टली फीमेल डायरेक्टर्स देखेंगे आप, इन बहुत वो इमोशन पकड़ते हैं। वो कोई भी स्टोरी हो, ये कोई भी जॉनरा हो, ड्रामा हो या थ्रिलर हो या इवन फॉर दैट मैटर हॉरर फिल्म भी हो, वो इमोशन पकड़ लेते हैं। दैट इज़ समथिंग आई फील ये वुमेन डायरेक्टर्स में होते हैं। नॉट दैट मेन डायरेक्टर्स डोंट हैव इट, बट आई जस्ट फील वो ज़्यादातर वुमेन डायरेक्टर्स का दे आर मोर आई वुड से प्रेवलेंट टू इट, यू नो। और वुमेन डायरेक्टर्स में और क्या खासियत है, जिस आई थिंक दे टेल स्टोरीज फ्रॉम देयर, मोस्ट ऑफ द टाइम दे ट्राई टू टेल स्टोरीज फ्रॉम अ वुमेंस पॉइंट ऑफ व्यू, एक औरत की पॉइंट ऑफ व्यू, जो दृष्टि है आपने बोला। हाँ, आई थिंक अ लॉट ऑफ वुमेन डायरेक्टर्स वो अपनी कहानी बोलना चाहते हैं और अपना जो उनका जो फीलिंग है वो अभी उभर के आ रहा है। एंड इट्स नॉट ओनली इंडिया, इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। इफ़ यू सी डायरेक्टर्स, एक बहुत अच्छी फिल्म आई थी ब्लू करके, इट वॉज डायरेक्टेड बाई अ वुमन डायरेक्टर, इट वॉज अबाउट टू वीमेन हु आई थिंक इट वॉज आई डोंट नो एनी वे। सो क्लेयर डेनी बोल के एक फ्रेंच डायरेक्टर है, वो भी बहुत साल से काम करते, शी इज़ वन ऑफ माई इंस्पिरेशन। सो इवन हर स्टोरीज ऑलवेज, उनकी स्टोरीज ऑलवेज वीमेन इज द प्रोटैगनिस्ट, ऑलवेज दे टेक द स्टोरी फॉरवर्ड। सो आई थिंक दैट समथिंग आई रियली, मुझे लगता है ये है। आपका 20 साल का करियर हो जाएगा 2 साल के बाद। वाओ, लगा था आपको कि मैं 20 साल की करियर हो गया। कितना जल्दी हो गया। 23 साल तो पूरे हो चुके हैं, सॉरी 17 साल पूरे हो चुके हैं, 20 साल हो जाएगा। इन 17 सालों में आपने कैसे देखा कि खास तौर से जब आप बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, आप हालांकि बंगाल से आती हैं, बंगाल से ना, और वहां पर भी कुछ काम किया होगा, नहीं है, सीधा यहाँ आ गई, और यहाँ पर महिलाओं के काम करने के तरीके, अप्रोच, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो पैसा लगाते हैं वो पुरुष हैं, जो निर्णय लेते हैं वो भी पुरुष हैं, तो किस तरह की दिक्कतें हैं खासतौर से महिला डायरेक्टर के लिए, कि जब वो कहानी लेकर जाती हैं तो क्या कभी सवाल उठते हैं कि एक औरत है उतना नहीं कर पाएगी, या इसकी कहानी इम्पैक्ट, इस तरह के सवाल आपके साथ उठे? पहले उठा था कि ये औरतें, ये एक मुझे एक प्रोड्यूसर मिले थे, बहुत पहले का बात है, जस्ट स्टार्टिंग में, तो ये यू नो आप एक महिला हैं, आपसे ये ऐसा स्टोरी, मैं थोड़ा एडल्ट जैसा एक स्टोरी लेकर बहुत पुराना एक है, पढ़ा है, नहीं नहीं जो और था नहीं बनाई, मगर थोड़ा एडल्ट जैसा था एक इन अफेयर के ऊपर, तो उसके बाद रेनकोट आ गया, पर एनीवे पॉइंट इज मैं लेके गई थी।
तो मैंने ना मैं बहुत पढ़ती हूँ, तो शॉर्ट स्टोरी कहीं से मिली थी तो मैंने लेके गई थी। तो उन्होंने बोला, और मुझे बहुत अजीब था ये, मेरा अभी भी मेरा दिमाग में कुछ कुछ चीज़ें रह जाती है ना, मैं ज़्यादातर भूल जाती हूँ, और ये रह गया था। तो एक घर एक रूम में वो आदमी वो और प्रोड्यूसर बैठे और उनके साथ एक दो और यू नो लोग बैठे थे, एक डायरेक्टर भी थे, वो भी आदमी थे, सब आदमी, और मैं एक फिल्म डायरेक्टर, और मैं लेके गई एक थोड़ा एडल्ट यू नो अफेयर वाला एक स्टोरी। तो मैं बैठी, मैंने कहा यार अब तो पढ़ लिया, तो उन्होंने पढ़ा सिनॉप्सिस, बोला दिस इज़ वेरी, ये तो बहुत अडल्ट फिल्म है, आपको थोड़ा यू नो द कॉनोटेशन जैसा था, मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा, फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ एंड द ओनली टाइम इन माय लाइफ, कि मुझे लगा कि ये क्या। सो एक मैंने एक थोड़ा अडल्ट स्टोरी लेके गई, डजंट मीन कि मैं वो, उन्होंने बोला ये पोर्नोग्राफी जैसा है, तो मुझे इतना गुस्सा आया मैं कुछ नहीं बोली, मैं निकल गई। तो मैंने मेरा फ्रेंड को फ़ोन करके बोला अब मैं पॉर्न बना के दिखाऊंगी इनको, मुझे गुस्सा आ गया, क्योंकि आई थिंक यू नो कुछ भी हो, यू नो यू कैन नॉट पुट समवन इन दैट चेयर। सो दैट वाज माय ओनली टाइम। एज एज क्या थी, कितने साल की थी आप? तब मैं जब आई जस्ट 2004-2005 जस्ट अमेरिका से आई हूँ, लैंड किया इंडिया में, और आयशा लेके भाग रही हूँ, चौराहे लेके भाग रही हूँ, बना रही हूँ, तो ये कॉन्फिडेंस भी था, अभी भी है, तो बट वो था कि ओवर कॉन्फिडेंस भी था कि अरे दो वॉट आर मेकिंग, स्टोरी स्टोरी है, क्या है लेके जॉनरा। तो दैट वॉज अ एक वो झिझक, ओनली टाइम आई हैव एवर फेल्ट, बट उसके बाद कभी वो ऐसा मौका आया ही नहीं, और कभी यू नो मुझे कभी फीलिंग भी नहीं आई। हाँ, अब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आप बोल रहे हैं कि क्या दिक्कत आती है एज अ वुमन डायरेक्टर और स्टोरी लेके जाते हैं, मेरा स्टोरी ज़्यादातर इट्स क्या करूँ मैं क्या करूँ, मेरे स्टोरी ज़्यादातर औरतें के ऊपर है, औरतें आर द मेन प्रोटैगनिस्ट और यंग वीमेन, और ये है तो ये जो जब स्टोरी लेके जाती हूँ तो ज़्यादातर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो आदमी हैं, और वो बोलते हैं ये तो नहीं चलेगी। आयशा के टाइम में भी ये हुआ है मेरे साथ, मैंने जब आयशा जाके आई थिंक मैंने सबके पास गई हूँ, ऐसा एक प्रोड्यूसर नहीं था जिसके पास मैंने दरवाज़ा नहीं नॉक किया, सब बड़े बड़े, और एक जगह में तो तीन बार गई हूँ। एक दिन वो जो जेंटलमैन थे वो दरवाज़ा खोल के बोले राजश्री तुम कुछ भी लाओ, आयशा मत लाना हमारे पास। बोले क्यों, इतना अच्छा फिल्म है, प्लीज़ देख लीजिए। एंड ये गॉड विलिंग वो अभी वो जो प्रोड्यूसर है वो निकल गए वो कंपनी से, वो कंपनी बंद हो गई, वो डिफरेंट बात है, पर पॉइंट है बड़ा कंपनी था। ऐसा ऐसा बहुत सारा कहानी है जो आयशा के साथ, मैंने तो आयशा के तो एक बेस बुक ही लिख सकती हूँ। देविका और मैं एक बड़े कंपनी के पास गए, वो बोले आयशा क्यों है आप उसको ना अजय बना दीजिए, वो लड़का है वो लड़की नहीं है, वो मैच मेकिंग करेगा और मेरे पास एक बड़ा स्टार है वो लड़का बन के। मैं बोला है ये क्या है। तो मेरे साथ ऐसे बहुत हो गए, पर मैं सोचा ठीक है आयशा बना लिया तो अभी चेंज होगा मार्केट, वापस वही 2023 में भी अभी भी सुनना पड़ता है अरे ये तो विमेन सेंट्रिक है, कौन करेगा, क्या होगा, लड़के लोग नहीं करना चाहते हैं। ये रोज़ का एक बहुत अजीब सा यू नो स्टोरी इज़ नॉट द थिंग, बिकॉज ये गर्ल्स हैं और ये यंग वीमेन हैं और इट्स अ वीमेन प्रोटैगनिस्ट, ये इट बिकम्स एन इशू फॉर यू नो प्रोड्यूसर्स, एंड दैट इज़ सैड बिकॉज स्टोरी इज स्टोरी, डजेंट मैटर। मैं मेरा फर्स्ट फिल्म एक टीचर के ऊपर था, जंग सुराया का शॉर्ट स्टोरी था बैजर, एंड आई मेड इट इन अमेरिका, और वो एक आदमी के ऊपर है और उनका स्ट्रगल है, एंड इट बिकेम वेरी पॉपुलर, वन मी द डी जी अवार्ड एंड इट वन मी मैनी अवार्ड्स, बट इट डजेंट मैटर। तो वही मैं सोचती हूँ आज क्यों, आयशा डिड वेरी वेल, पीपल स्टिल रिमेंबर, तो क्यों नहीं गिव इट यू नो यंग वीमेन के ऊपर, या यू नो मेक वीमेन ए प्रोटैगनिस्ट। ये मेरे साथ थोड़ा होता रहता है।
कितने हीरोज ने मना किया कि मैं आयशा में काम नहीं कर सकता क्योंकि मैंने ज़्यादातर हीरोज़ के पास गई नहीं, मेरे पास एक ही हीरो था और वो मुझे बहुत अच्छा लगता था अभय। हाँ, तो पहली बार ही मान गया अभय। अभय को यू नो हमने कन्विंस किया कि भाई तुम मिस्टर नाइटली प्ले कर रहे हो, तुम यू नो शाहरुख खान हो, यू विल ला, तो बोला ठीक है थोड़ा झूठ तो बोलना पड़ता है। तो नो नो ही वॉज वेरी फैंटास्टिक और वो ना वो एक चार्मिंग आदमी है। तो एक्चुअली आपने अभय को पटाया झूठ बोलकर कि फिल्म में काम कर लो थोड़ा तो पटाना पड़ता है, नहीं बता अच्छा कैरेक्टर था तो नो एंड ही वाज रियली गुड फॉर इट इसीलिए। मतलब पहली चॉइस अभय थी कि सच में कि कुछ और लोगों को सुनाया था और मना इनकार किया आपने, कहा कि बहुत लोगों ने इनकार? मैंने प्रोड्यूसर्स एक्टर्स के पास ज़्यादा नहीं गए। मेरा फर्स्ट चॉइस सोनम था, नहीं एक्चुअली मेरा फर्स्ट चॉइस फॉर आयशा भी कोई और थी बट वो नहीं हुआ। डजंट मैटर उन्होंने क्यों मना किया जो फर्स्ट चॉइस? वो प्रोडक्शन हाउस के साथ था एक, तो वो प्रोडक्शन हाउस ही गए तो मैंने बोला चलो अच्छा हुआ। एक्चुअली जो होता है अच्छा के लिए होता है, तो नहीं हुआ अच्छा हुआ तो सोनम आ गई। एंड सोनम कैसे आई? हमने मैं और देविका हमने एक टीम बनाया कि कैसे करें अभी, और मैंने सोनम का एक दिल्ली सिक्स का झलक देखा था, उनका ट्रेलर आ रहा था और मुझे उनका बहुत अच्छा लगा, उनका स्वभाव तो ऐसे शी वुड बी परफेक्ट आयशा, ऐसा ही मुझे आयशा चाहिए था। मैं बहुत ऐसा कास्ट करती हूँ, मैं देख के आदमी को एक्टर या एक्ट्रेसेस को देख के मैं ऑलमोस्ट कास्ट करती हूँ बिकॉज मुझे लगता है वो दे ऑलमोस्ट फिट व्हाट दे आर इन पर्सनल, दे ऑलमोस्ट फिट माय कैरेक्टर बिकॉज दैट्स व्हाट रियल लाइफ इज, तो मुझे लगता है वो फिट करती थी। एंड देन वी वेंट वी अप्रोच था सोनम देवी का, तब यशराज में काम करती थी, एक उसने एक पिक्चर भी लिखा था बचना है हसीनो, सो शी रोट टू आयशा, मेरे नंबर मिला देन ही रोट टू हर बहुत अच्छा म्यूजिक था वो पार्टी में, भूल ही पाता हूँ, एक तो शाम को 4-5 बजे शुरू हुई थी और लेट और बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था, बहुत अच्छा था। अमित कैसे आए थे? अमित ये रिया का कमाल है, आई वॉन्ट आई गिव क्रेडिट टू रिया, वो बहुत उसका उसने अमित को सुना था देवडी का और उसने बोला लेट्स गेट इन अमित, तो ऐसे ओके मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल हूँ, मैं बोला नॉट सो श्योर, बट देन आई मेट अमित एंड ही सच अ टैलेंटेड यू नो म्यूजिशियन, मुझे बहुत अच्छा लगा दैट यू नो ही वॉज ही टुक आयशा। देखिए म्यूजिक फिल्म हम बनाते हैं, म्यूज़िक उसका एक लेयर होता है और उसको फिल्म को और ऊपर करता है, एंड आई थिंक अमित त्रिवेदी इज़ वन सच आर्टिस्ट। बहुत हिट हुआ था उससे, अमित त्रिवेदी की बड़ी पहचान बनी थी उस गाने से, कौन सा गाना था मैं भूल गया, गल मीठे मीठे वो वो गाया था उन्होंने तो जी। हाँ, बहुत बहुत ही मज़ेदार इन कोलैबोरेशन था हमारा, क्योंकि मैं ना बहुत उसको बहुत तंग करती थी, मुझे पता था मुझे ये गाना चाहिए, मुझे ऐसा गाना चाहिए, तो वो बोलता था ये कौन क्यों आजकल ये ज़माना नहीं है, तुम पुराना ज़माना, हमारा नहीं मुझे यही सालसा चाहिए, सालसा गाना चाहिए, मुझे सालसा डांस चाहिए, वो बोलता ठीक है मैं करता हूँ। सो दैट्स हाउ अमित आया। फिर बिन कुछ कहे आई और वो नहीं चली। बिन कुछ कहे मैं प्रोड्यूसर बनी फर्स्ट टाइम, मैं ज़िंदगी में कभी नहीं लिखा था। हाँ मैं लिखी थी, मैं एक्चुअली कॉन्सेप्ट लिखा और मैंने एक ऐसा टेलीविजन सीरीज मैंने पिच किया था, तब जी वेब सीरीज आई नहीं थी, ये एक फाइनाइट सीरीज था, तो मैंने पिच किया एंड आई गॉट थ्रू, तो मुझे बोला गया कि आप प्रोड्यूस करिए, मुझे नहीं प्रोड्यूस करना था, मैं फंस गई और मैं प्रोड्यूस कर दी। मेरा माइंड इज़ नॉट अ प्रोड्यूसर, तो मैं फिल्म जैसे सोचा और मैंने आई मेड इट, इट वॉज अ वेरी नाइस आई थिंक फॉर अ टेलीविजन शो, इट वॉज अ वेरी नाइस एंड न्यू
काइंड ऑफ शो वो सब नहीं था, ज़्यादातर ड्रामा और वो सब नहीं था. आज अभी आता तो आई थिंक चल जाती, थोड़ा जल्दी आ गए हम. अच्छा वो ये क्या एक्स पास्ट इज प्रेजेंट, हाँ ये इसका क्या हुआ, ये भी नहीं चली थी ना? ये चली थी नहीं हमारी, ये तो एक एक्सपेरिमेंट फिल्म है और ये फेस्टिवल के लिए और बहुत एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया गया था. ये 11 डायरेक्टर्स आए एक साथ और हमने सब एक एक स्मॉल सेगमेंट बनाया था. मेरा सेगमेंट में राधिका थी और रजत था, बिरयानी कर गया था. बहुत ही मज़ेदार कहानी, ये मेरी कहानी है, मैंने पूरा स्क्रिप्ट लिखा बट पार्ट ऑफ द 11 डायरेक्टर्स. तो इसमें अनु थी ओनली, अदर वुमेन डायरेक्टर, दे वर ओनली टू वुमेन डायरेक्टर्स और सब, दैट्स 11 माइनस टू, नाइन यू नो मेल डायरेक्टर्स. सो या दैट वाज अ गुड फन. हाँ भाई वो ये बाप रे, वो मेरा फर्स्ट प्रोड्यूस प्रोडक्शन था. उस चौराहे के बाद मैं क्यों बिन कुछ कहे करी, मेरा माथा ही खराब था. एनीवे मैं थोड़ा बंगाली हूँ तो माथा बोल गया. अच्छा नहीं मैं ज़्यादा नहीं बोलती हूँ बंगाली, बट जय आप आ जाएगा ऐसे. चौराहे जब मैं बनाई स्कूल से, जस्ट मैंने AFI स्कूल में मैंने ग्रेजुएशन करके आई हूँ, अमेरिका से वापस आई तो आई वॉज लुकिंग फॉर प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा था. और एक चिप ऑन द शोल्डर थी कि मैं अंग्रेज़ी बोलती हूँ तो सबको ही अंग्रेज़ी बोलते हैं. रियलाइज लेटर कि आप जहाँ रहते हो वहाँ का मिट्टी का कहानी होना चाहिए और वहाँ का भाषा होना चाहिए, जो आज मैं आपके साथ कर रही हूँ. तो इसीलिए वो फिल्म में थोड़ा वो झटका था कि वो लैंग्वेज में प्रॉब्लम था, बट अदरवाइज वो निर्मल वर्मा की कहानी थी, चार कहानी थी, हमने उसको इंटीग्रेट किया, मेट्रो के पहले ही बना दी थी और बहुत अच्छा. आई थिंक एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द फिल्म. बहुत सारे फेस्टिवल में गए एंड इट ऑल्सो आई सोल्ड द फिल्म. हाँ ये एक्चुअली क्या हुआ था, 2007-08 में बन गई थी, फिर आयशा आ गई 2011 में, फिर आयशा के बाद ये रिलीज हुई. नहीं तो वो रिलीज ही नहीं हो रहा था क्योंकि छोटा फिल्म था, कोई सोच नहीं रहे थे. एवरीबडी वुड कम बैक, मैं जाती थी तो बोलते नहीं अंग्रेजी फिल्म है, आप नहीं क्या, कौन खरीदेगा ये वो. फिर एक बहुत अच्छा PVR डायरेक्टर्स रेयर करके एक उन्होंने एक प्लेटफॉर्म खोला और फिर वहीं मैंने रिलीज़ कर दी, इंडिपेंडेंट रिलीज़ किया और बहुत अच्छा से हो गया, एवरीथिंग वर्कड आउट एंड फिर मैंने भेज भी दिया. इसके प्रोड्यूसर से आपका क्या रिश्ता है? मेरा पापा है इसका प्रोड्यूसर. मैं कोई फिल्म लाइन से नहीं हूँ, मेरे फैमिली कोई फिल्म लाइन से नहीं. पापा ने पैसा कहाँ से दिया था? मेरे पापा हार्ड अर्न मनी था लगा दिए, बट ज़्यादा नहीं था, बट ठीक है उस जमाने में ज़्यादा था. 18 मिलियन में बनी थी एक वन क्रॉ, वन क्रॉ बनी थी और कमाई कितनी हो गई थी? वन क्रॉ ब्रेक इवन. ब्रेक इवन सो पापा को पैसे वापस कर दिए थे? हाँ कर, थोड़ा कम था बट चलता है. मैं दो तीन टिकट दे दिया फेस्टिवल का, आप चले जाइए प्रोड्यूसर बन के, मैं नहीं जाती तो वो खुश हो गए. हाँ थोड़ा लॉस था मगर हाँ वो फिल्म मुझे बहुत बहुत प्यारा है, मुझे बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट वन ऑफ माय, इट्स माय फर्स्ट फिल्म. तो मुझे निर्मल वर्मा बहुत बहुत अच्छे लगते हैं एज अ राइटर, हिंदी राइटर, एंड उनका कहानी में कुछ ऐसा है जो मुझे बहुत यू नो मैं कनेक्ट हो जाती हूँ. तो जब उनका कहानी मुझे मिला और उन्होंने इतना प्यार से मुझे दिए तो मैं बोला चलो इन्हीं का ऊपर मैं चौराहे बनाए. हाँ तो यार पैसा मिल गया. पॉटलक टू के बारे में नहीं पता. पॉटलक टू की तो बधाई दे दी मैंने, इसको भी इंटरव्यू कर लिए. अच्छा अब इसके अलावा अब क्या सोचा है, क्या कर रही हैं? पॉटलक थ्री, ओके पॉटलक थ्री की अभी शिखा की जर्नी शुरू होगी एंड उसका स्टोरी प्लीज़. अब पॉटलक टू इतना अच्छा हुआ है, अब पॉटलक थ्री का जर्नी शुरू होगा. हरी झंडी मिल गई कि टीम बनाना है? हरी झंडी तो मिली थी अभी, और जोर से हरी झंडी होना चाहिए. अच्छा चला है तो अच्छा होना चाहिए टच में. एक तो वो हो रहा है और एक है कि
मैं एक फिल्म बना रही हूँ आयशा जैसा, उसका नाम है बेवजह, और बे एज इन बे बिफोर एनीवन एल्स, सो बेवजह वर्ड के ऊपर हमने एक पन बनाया है, बे एज इन यू आर माय बे एंड वजह, सो इट्स बेवजह। इट्स अ स्टोरी ऑफ टू सिस्टर्स, इट्स एन अडेप्टेशन ऑफ जेन ऑस्टन्स सेंस एंड सेंसिबिलिटी। एक बहुत पहले एक फिल्म राजीव मेनन ने बनाई थी, कांडकुंडे कांडकुंडे, उसमें ऐश्वर्या और टबू थी, ममूटी सर थे, अजित से, बहुत अच्छा फिल्म था। सेम स्टोरी, वो भी जेन ऑस्टन का जो सेंस एंड सेंसिबिलिटी था, ये भी जेन ऑस्टन का सेंस एंड सेंसिबिलिटी। बट मेरा टेक है जेन जी, टुडेज यंग गर्ल्स, सो इट विल बी सेट इन यू नो टुडेज वर्ल्ड, थोड़ा डिफरेंट है बट इट्स अ वेरी रिफ्रेशिंग द वर्ल्ड। मैं वापस आयशा की वर्ल्ड में आना चाहती हूँ, सो आई एम ब्रिंगिंग दैट इन टू इट, सो इट विल बी फन। वो कर रहे हैं इस कहानी को कहाँ से करेंगी, बॉम्बे में, लखनऊ में, कोलकाता में, लंदन में? मैं लंदन लेके जा रही हूँ। मुझे लगता है अभी जो वर्ल्ड है, इतने सारे इंडियंस हैं, सब बाहर में हैं, और वो उनको भी रिप्रेजेंट करना चाहिए। हम यहाँ से लेके जा रहे हैं, हमारे जो मैं कैरेक्टर्स हैं वो राजस्थान की है और जा रही है लंदन, तो ये दोनों यू नो, और मुझे राजस्थान, मुझे यू नो राजस्थान से बहुत लगाव है, तो मैं बोला चलो लेके चलते हैं। तो राजस्थान के रंग होंगे और हाँ ये होगा, तो थोड़ा उसका मिलाप करते हैं, तो ये है